हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम विकास। आप देख रहे हैं कलाम एकेडमी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कलाम एकेडमी का 3 मंथ का जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स होता है, इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। तो अगर आप रांची में रहते हैं और कोडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, या IT सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इसमें इस कोर्स का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जो भी कर रहे हैं उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे हुआ, कोडिंग और प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों सिखाना शुरू किए। तो हम लोग अपना जो कंपनी है, हम लोग की जो IT कंपनी है, इसमें हम लोगों को हायरिंग में बहुत परेशानी हो रहा था, एक वेब डेवलपर खोजने में बहुत परेशानी हो रहा था। तो वी थॉट कि चलो हम लोग प्रोग्रामिंग सिखाते हैं बच्चों को, एंड वहां से जो बच्चे सीख जाएंगे उनको फिर हम लोग अपने यहाँ हायर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये प्रोग्राम कोचिंग के लिए नहीं स्टार्ट हुआ था, बट इससे हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर हम लोगों का हायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, और जो सर्कल में लोग हैं जो अपनी कंपनी चला रहे हैं या IT का एजेंसी चला रहे हैं, उनको हम लोगों ने बच्चे अपने यहाँ से भेजे हैं, उनका भी हायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो ये कहानी है कैसे आपको स्टार्ट हुआ ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स। 3 मंथ का कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तो इसमें आप क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये प्रोग्राम के थ्रू हम लोग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, एंड ये स्टूडेंट्स हैं वो अभी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में प्लेस हैं, कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ रांची में, कुछ रांची से बाहर हैं। तो इस प्रोग्राम को एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है रांची से। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वीक में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, JavaScript क्या होता है, PHP क्या होता है, MySQL क्या होता है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, पूरे इंजीनियरिंग के 4 साल में मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि ये क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप ज्वाइन करते हो फर्स्ट वीक में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एक्चुअली काम करता है। तो ये सारा बेसिक्स आप पहले वीक में सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीक रहता है, इसमें हम लोग फिर बैक करते हैं और आपको HTML का बेसिक सारा सीखते हैं। HTML का किस टाइप का बेसिक्स, तो जितने भी टैग्स हैं HTML में वो सारा आप सीखते हैं, कलर आप सीखेंगे, लिंक्स कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, फाइल्स कैसे होता है वो सीखेंगे, टेबल क्या होता है, लिस्ट कैसे होता है, आईफ्रेम कैसे होता है, क्लासेस, IDs, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे सेकेंड वीक में। अब देखिए, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि HTML तो अब आउटडेटेड हो गया है, HTML सीख के अब क्या फायदा होगा, अब तो रिएक्ट का टाइम आ गया है, या फिर अब बड़े नोड का टाइम आ गया, बड़े बड़े लैंग्वेज आ गए हैं। उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या बिना ABCD जाने आप इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट? बिना अगर आपको ABCD नहीं पता है तो क्या आप सीधे इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीजें है ना, दिस इज द बेसिक फाउंडेशन, इंट्री के लिए जरूरी है। ये आपको पता ही नहीं रहेगा कि हाँ क्लासेस क्या होता है, IDs क्या होता है, तो कैसे आप रिएक्ट और नोड में कोड कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, या फिर उसके कॉन्सेप्ट आप समझ भी नहीं पाएंगे, राइट? तो ये जो आप यहाँ पे सीखते हैं, ये प्योरली फाउंडेशन पे फोकस किया जाता है। ये आप जान जाते हैं तो कोई भी और लैंग्वेज आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फाउंडेशन, ये बेसिक्स नहीं ना पता है, तो आप कहीं भी कोई भी क्लास कर लीजिए, कुछ भी आप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको वहां कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दीज आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स दैट यू मस्ट नो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीक 3 में हम लोग HTML को और डिटेल में समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं फॉर्म क्या होता है, CSS के कितने टाइप होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, कलर्स को समझते हैं, मार्जिन को समझते हैं, पैडिंग को समझते हैं, टेक्स्ट क्या होता है, टेबल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, कैसे इसको एक्चुअली बनाते हैं, तो ये हम लोग समझते हैं वीक 3 में। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बेसिक्स हम लोग CSS का और JavaScript का सीखते हैं। CSS जो पहली बार सुन रहे हैं, तो जैसे आप ये वेब पेज देख रहे हैं, तो वेब पेज की डिजाइन देख रहे हैं कितना सुंदर, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे हो जा रहा है, तो ये एक डिजाइन बना हुआ है, इसका कलर है, तो ये सारा जो डिजाइनिंग हो रहा है ना, ये सारा आपको CSS के थ्रू हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है
जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्सपैंड हो जा रहा है, आप देख रहे हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्सपैंड हो जा रहा है। ये कैसे हो पा रहा है? तो अगेन ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो पा रहा है। तो आप लाइक सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का बेसिक समझते हैं फोर्थ वीक में, फिफ्थ वीक में आप जावास्क्रिप्ट का एडवांस चीजें समझते हैं, जैसे हम लोग कवर करते हैं एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। अगेन इसके अलावा भी हम लोग चीजें पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, लाइक मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात करूं ना तो जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ इज अ ओसियन, इतनी सारी चीजें हैं सीखने को जावास्क्रिप्ट में कि लाइक अगर आप पूरा लाइफ टाइम भी देते तो हो सकता है कुछ चीजें आप नहीं सीख पाए, इतना बड़ा ओसियन है जावास्क्रिप्ट का। लेकिन वो सारी चीजों को समझने के लिए आपको ये बेसिक्स पता रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग वीक में समझते हैं अजेक्स क्या होता है, एपीआई क्या होता है, जितने भी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन है, आप नेटफ्लिक्स देख लो, आप फेसबुक देख लो, आप अमेजन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, तो सब लोग एपीआई यूज करते हैं, एपीआई के थ्रू ही उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। तो ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीक में समझते हैं। अगेन वीक 7 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीएचपी का बेसिक्स और MySQL का बेसिक समझते हैं। अब पीएचपी क्या है, तो पीएचपी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करते हो। अगेन अब यहाँ पे भी तुरंत दिमाग में बहुत लोग हिट करा पीएचपी का, तो टाइम चला गया। देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट्स ना लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। आप अगर एक लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाते हो तो दूसरे लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो, ठीक, राइट। लेकिन किस लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए? अब देखो आपको हिंदी पता है तो हो सकता है आप जर्मन सीख लेंगे, राइट। लेकिन आपको डायरेक्ट जर्मन नहीं भेज दिया जाए, जर्मन सिखाने की कोशिश की जाए तो आपका क्या हालत होगा, राइट। तो लाइकवाइज पीएचपी अगर आप सीखते, पीएचपी बेस्ट इंट्री लेवल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेस्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ट इंट्री लेवल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप डायरेक्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे ना, जैसे आप डायरेक्ट जर्मन से स्टार्ट करते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग पीएचपी का एडवांस चीजें सीखते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, सॉरी ऑपरेटर्स क्या होता है, कंडीशनल लॉजिक कैसे लगाते हैं पीएचपी में, लूप कैसे चलाते हैं, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो दीज आर लिटिल एडवांस थिंग जो पीएचपी की चीजें हैं ये आप सीखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में क्रड क्वेरी चलाने सीखते हैं, ओके। एंड उसके बाद हम लोग इसको और एडवांस जाते हैं, लाइक डेटाबेस से कैसे कनेक्शन बनाते हैं ये हम लोग सीखते हैं। अब डेटाबेस से कनेक्शन का क्या मतलब है? अब जैसे देखिएगा इस वेबसाइट में ही टॉप में देखेंगे तो आप एक फॉर्म है, आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो डेटा कहीं सेव हो रहा है, राइट। तो वो डेटा कैसे आप सेव कर सकते हैं, तो वो आप सीखते हैं जब आपको MySQL आ जाता है। तो आप फेसबुक में कोई पेज लाइक कर रहे हैं तो वो डेटा फेसबुक स्टोर कर रहा है, तो फेसबुक कैसे वो स्टोर कर रहा है, तो वहां पे हो सकता है MySQL का कोई क्वेरी चल रहा है। जहां भी आप इंटरनेट में देख रहे हैं डेटा स्टोर हो रहा है या डेटा आ रहा है, जैसे आप बैंक में लॉग इन करते हैं तो आपका पूरा डिटेल आ जाता है बैंक का, आप फोन पे में लॉग इन करते हैं तो आपको पूरा जो भी आप ट्रांजेक्शन किए वो सारा डिटेल आ जाता है, तो वो कैसे हो रहा है, वो भी चीजें डेटाबेस में सेव हो रही है। तो कैसे आप ऐसा डेटाबेस बना सकते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीक में सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप कर लिया आपने, अब इतना सारा चीज आप कर लेते हैं ना तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हम लोग क्लास में कवर करते हैं? आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाते हैं अपने 3 मंथ के कोर्स में। आप एक पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं अपने 3 मंथ के कोर्स में, राइट। जब ऊपर की सारी चीजें आप सीख जाते हैं तो आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने प्रोजेक्ट बना के सीखते हैं, ओके। तो लाइक ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। अगेन एक और वीक पूरा दिया जाता है आपके प्रोजेक्ट के लिए, राइट। और यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं है लेकिन आपके पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में आपको लगभग 3 से 4 प्रोजेक्ट मिनिमम करना होता है, एंड उसके अलावा कुछ ऑप्शनल और प्रोजेक्ट हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो कंपलसरी होता है, सबको एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनानी होती है, एंड सबको एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम समझ रहे हैं, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो टैली आप देखते हैं तो टैली कैसे काम करता है, बैकएंड में उसका क्या क्या लाइक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, टैली में एंट्री वाली चीजें मैं नहीं बात कर रहा हूँ, टैली कैसे बना है एज ए सॉफ्टवेयर वो हम लोग सीखते हैं। तो ये पूरा आपका 12 वीक का करिकुलम है, 3 मंथ का करिकुलम है, जिसमें आप वेब डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का बेसिक से, HTML से एडवांस
प्रोजेक्ट तक सारी चीजें सीखते हैं। इस कोर्स को आप करने के बाद कोई भी एडवांस लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से स्विच कर सकते हैं, आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। तो ये तो है पूरा आपका कोर्स लाइक वेब डेवलपमेंट का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, इसका लिंक इंक्लूड कर दूंगा जिस पे आप साइन अप कर सकते हैं। मैं एक और मजेदार बात बता दूं, ये जो पूरा आप वेब पेज देख रहे हैं ना, ये देख के आपको सुंदर लग रहा होगा और लग रहा होगा कोई एक्सपर्ट डिजाइन किया है, ये मैं हमारे बच्चों ने ही बनाया है, राइट। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इस तरह के वेबसाइट बनाने सीख पाएंगे, ओके। एंड कोर्स के बाद आपको गारंटीड जॉब और इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलता है, आप इंटर्नशिप चाहे तो कर सकते हैं या जॉब चाहे तो कर सकते हैं, ओके। इसका आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो प्ले करके देखिएगा, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा। जब ये लड़कियां कर सकती हैं, गांव के बच्चे कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल है, घर में लैपटॉप और कंप्यूटर भी होगा, राइट। तो आप आराम से ये कोर्स कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, आईटी सेक्टर में नौकरी पा सकते हैं और अपना बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे इस वीडियो से शुरुआत करें तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पे जाके आपको कमेंट करना है।